हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक उत्तराखंड का लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड की जनगणना के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछी जाती है मैं आपके साथ MCQs में बता दूंगा, लेकिन आज मैं आपके साथ सब पूरा टॉपिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की जनगणना 2000 का हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, 2000 का जो भी यहाँ पे जो आंकड़े रहे हैं 2000 के हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इसका जो आंकड़े जो जारी कब किए थे, वो किए गए थे 21 मई 2013 को किए गए थे। कब किए गए थे? 21 मई 2013 को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो 146,292 है, जो 146,292 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो उत्तराखंड का पूरे भारत में जो स्थान है, वो स्थान उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है वो 21वां स्थान, कौन से स्थान है? 21वें स्थान पर उत्तराखंड जो है भारत में है जनसंख्या की दृष्टि से। और पूरे उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या के 0.83% है। कितना परसेंट है? 0.83% है। इसमें से अगर जनसंख्या की बात करें तो गढ़वाल की अगर बात करें तो 50, देखो इनमें से जब परसेंटेज की बात होती है तो वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर इसे पूरी जनसंख्या में अगर गढ़वाल की जनसंख्या की बात करते हैं 58.07% है। कितना है? 58.07% ये गढ़वाल के। तो कुमाऊं की अगर पूछा है तो क्या कर देंगे, 100 में से 58.07 माइनस कर देंगे तो आपके पास 41.93% आपके पास आ जाएगा। अगले देखिए जनसंख्या जो आपके पास है इसमें पर्वतीय कितनी है, पर्वतीय 64.90%। और मैदानी की बात करेंगे तो 100 में से माइनस कर दीजिए इसको 64.90 को, तो आपके पास आएगा 35.10%। अगले देखिए कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या में पुरुष जो है तो पुरुषों की जो संख्या है वो 50.93% पुरुष हैं, और महिला की जनसंख्या 49.07% महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें सबसे बड़े जिले सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले कम से कम 5 जिले आपको याद रखने हैं हर टाइप के। ठीक है, चाहे वो दशक की वृद्धि पूछ रहा है, जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, लिंगानुपात पूछता है, साक्षरता पूछता है, तो कम से कम 5 जिले आपको याद होने ही चाहिए। क्योंकि कई कभी कभार हो जाता है कि वो बीच से उठा के दे देता है क्वेश्चन, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बीच से उठा के दे देता है या कभी कभार सीरीज में दे देता है, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए अगला देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे बड़ा जिला है वो जनसंख्या में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, ये जो है घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से। सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जनसंख्या में रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी, और सबसे सर्वाधिक या कम जनसंख्या वाले, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। दशक की वृद्धि में जो उत्तराखंड का स्थान है वो 17वां स्थान है। दशक की वृद्धि में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो दशक की वृद्धि थी वो 20.41% थी, जबकि 2011 के अनुसार 18.81% इसमें रही है। ठीक, कितनी कमी हुई आप माइनस कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो कमी कितनी हुई आपके पास, आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे कि 1-10। ठीक है, और 14-8 यानी कि 6 पॉइंट, और 19- यानी कि 1.60 की क्या आई हुई है, कमी आई हुई 1.60 की क्या आई है, कमी आई है 2011 की जनगणना है और 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो दोनों में 1.60 के परसेंट की कमी आई हुई है। तो सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाले 5 बड़े जिले, दशक की वृद्धि वाले 5 बड़े जिले, तो सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि जो हुई है वो ही है उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल और फिर चंपावत। ठीक है, और अगर बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो रही है पौड़ी में, फिर रही अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ये है कि पौड़ी और अल्मोड़ा का जो रिलेशन जो रहा है, यानी कि दशक की वृद्धि जो रहा है, 10 ईयर्स जो इंक्रीजमेंट जो रहा है पॉपुलेशन का, तो वो माइनस में रहा है। कितना रहा है? माइनस में रहा है, यानी कि ऋणात्मक रहा है। तो अगर अल्मोड़ा की बात करें -1.30 है, और पौड़ी की बात करें -1.41। तो अगर बात करें कि सबसे छोटा दशक की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है? पौड़ी। और सबसे बड़ा कौन सा है? उधम सिंह नगर। चलिए ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो देखते हैं।
भारत की जनसंख्या वृद्धि का क्वेश्चन आया हुआ था अभी, ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट का, तो 17.70 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशक की वृद्धि, और यही पूछा भी गया था। ठीक है, भारत की जनसंख्या से लेकर अभी जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आज हम सिर्फ उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का पूरे देश में स्थान है, 25वां स्थान पर उत्तराखंड है। ठीक है, 2001 की जो जनसंख्या घनत्व था वो 159 था, और 2011 के अनुसार हो गया 189। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कुल जनसंख्या, है ना, तो कुल जनसंख्या बटे एक किलोमीटर पर रहने वाली जनसंख्या। मतलब सीधी कुल जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि एक किलोमीटर पर रहने वाली जनसंख्या जो होती है, एक किलोमीटर पर कितनी जनसंख्या रहती है वो आपके पास जनसंख्या घनत्व आता है। तो कुल राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य का क्षेत्रफल, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जनसंख्या घनत्व आता है। तो इस मामले में उत्तराखंड भारत में 25वें नंबर पर, कौन से नंबर पर, 25वें स्थान पर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। 25वें स्थान है 2001 की जनगणना के अनुसार 159 था, 159 तो 2011 में 189 हुआ है। अगले पांच सबसे बड़े जिले, जनसंख्या घनत्व में पांच बड़े जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तरकाशी का, और सबसे ज़्यादा है हरिद्वार का, और सबसे कम है उत्तरकाशी का। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा है हरिद्वार और सबसे छोटा है उत्तरकाशी। पाँच जिलों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा होता है हरिद्वार, फिर है उधम सिंह नगर, फिर है देहरादून, फिर है नैनीताल, और फिर है टिहरी। यही बात अगर हम पाँच छोटे जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, तो ये हमारे पांच जिले हैं, पांच सबसे बड़े जिले जनसंख्या वृद्धि में, और पांच सबसे छोटे। और अगर सिंगल की बात करें तो हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, और उत्तरकाशी का सबसे कम है। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, लिंगानुपात की बात अगर हम करें तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। 2001 में इसकी जो भारत उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है तो 962 था, 2011 में ये बढ़कर 963 हो गया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का 2011 में था 943, और 2001 की बात करें तो था 933। ठीक है, लिंगानुपात, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप इसको, तो पांच सबसे बड़े जिले लिंगानुपात में सबसे बड़ा जिला जो है उत्तराखंड का वो है अल्मोड़ा, और सबसे छोटा है लिंगानुपात में वो है हरिद्वार। लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियों का पॉपुलेशन क्या है, वो आपका लिंगानुपात काउंट होता है। तो अब यहाँ पे पांच जिलों में सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर, फिर टिहरी। पाँच जिलों की बात अगर हो रही है तो पाँच सबसे छोटे जिले, हरिद्वार सबसे छोटा है, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, और फिर आपके पास आता है उत्तरकाशी। अगला देखते हैं औसत साक्षरता की अगर बात करें तो औसत साक्षरता में 13वां स्थान है उत्तराखंड का पूरे भारत में, पूरे भारत में दशक की वृद्धि में, और औसत साक्षरता में, ठीक है, 17वां स्थान है। तो औसत साक्षरता में कितना है, 17वां स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता जो थी उत्तराखंड की 71.62 थी, 2011 के अनुसार 78.82 थी। कभी कभार ये 79.62 भी कहीं कहीं आपके पास मिलने वाली है, ये कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ कि 79.62 भी दिया, पर ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आंकड़ों के अनुसार जो है वो है 78.82% है। तो अगला देखते हैं कि जो पांच सबसे बड़े पांच जिले कौन कौन से हैं, तो पांच सबसे बड़े जिले हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी। साक्षरता की दृष्टि से पाँच सबसे छोटे जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे कम जो साक्षरता है वो उधम सिंह नगर की है, और सबसे अधिक जो है वो है देहरादून की। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगर महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता की बात होती तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि पुरुष साक्षरता जो है 2001 के अनुसार जो उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता थी वो 83.3% थी, जबकि महिला साक्षरता, सॉरी, पुरुष साक्षरता 2011 में 87.40% थी। सबसे बड़ा पुरुष साक्षर जिला जो है वो आपका है रुद्रप्रयाग, और सबसे छोटा जो है वो है हरिद्वार। महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे 2001 में, ठीक है, और 2011 में तो 68 पॉइंट समथिंग थी, यहाँ पे है नहीं, तो 68 पॉइंट समथिंग इसका जो साक्षरता थी 2001 के अनुसार महिला साक्षरता, और 2011 के अनुसार महिला साक्षरता जो है वो 70% है। ठीक है, 70%, यानी कि 2011 की जो महिला साक्षरता वो है 70%। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में सबसे साक्षर राज्य देहरादून है, और सबसे, यानी कि जो सबसे कम जो साक्षर राज्य है वो है उत्तरकाशी। साक्षरता के लिए अगर हम लिटरेसी की बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता है 76.31, और शहरी क्षेत्र की साक्षरता है 84.45%। ठीक है, अगर इसमें उत्तराखंड भारत की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या जो साक्षरता अभी प्रेजेंट टाइम है वो 73% है पूरे भारत की, लेकिन हम यहाँ पर अभी उत्तराखंड का देख रहे हैं तो उत्तराखंड का देखेंगे। ठीक है,
अगला देखते हैं यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो नगरीय जनसंख्या में उत्तराखंड भारत में 20वें नंबर पर है। पांच सबसे बड़े जिले, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि में जो जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या में सबसे बड़े पांच जिले जो हैं वो है देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी। और पांच सबसे छोटे जो जिले हैं वो क्या हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और टिहरी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रिकी इसको लेके जाइए यहाँ पे आप। जो जिले अगर जो भी जिले नगरीय जनसंख्या में ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ग्रामीण में कम होंगे, है ना। और जो नगरीय में कम हैं, जो जिले नगरीय जनसंख्या में कम हैं वो ग्रामीण में ज़्यादा होंगे। तो इसको फिर हम उल्टा कर देंगे, अगर हम ग्रामीण की बात करें, है ना, तो ग्रामीण जनसंख्या में पांच सबसे बड़े जिले, तो पांच सबसे बड़े जिले ग्रामीण जनसंख्या में कौन से होंगे, तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और टिहरी। और पांच सबसे छोटे ग्रामीण जिले देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी। तो मतलब हम इनको उल्टा कर देंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, दूसरी आप अपने आप ही उसको समझ के आप दोबारा से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि SC ST प्रतिशत क्या क्या है यहाँ पे, तो उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है, ठीक है, तो अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या है पूरे उत्तराखंड में कुल जनसंख्या का 18.8%, 18.8% जो है अनुसूचित जाति निवास करती है उत्तराखंड में SC, ठीक है। इनके लिए जो रिजर्वेशन की बात, अगर कभी कई बार क्वेश्चन आता है, तो रिजर्वेशन जो है 19% रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। तो सबसे बड़े जिले जो हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या में, सबसे बड़े जिले जो हैं वो हैं हरिद्वार, सबसे ज़्यादा हरिद्वार अनुसूचित जाति में, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की जो पाई जाती है हरिद्वार में है, और सबसे कम है चंपावत में, ठीक है। तो पांच जिलों की बात अगर होती है तो हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल, ठीक है, चार जिले। और सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। अगला नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अगर इसमें प्रतिशत, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर क्या होता है कि SC ST का पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, और इसका परसेंटेज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि भाई अभी कुछ टाइम पहले ARO एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर ST का प्रतिशत पूछा था कि ST का प्रतिशत कहाँ पर सर्वाधिक है, ठीक है, पूरे भारत में। तो ऑप्शन में पंजाब भी था, UP भी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे UP तो सबसे सबसे अधिक, तो UP प्रतिशत में UP है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो UP है, और अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो पंजाब है। अगर टोटल पॉपुलेशन SC की बात होती है पूरे भारत में तो UP है, और अगर परसेंटेज की बात होती है तो पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ पॉपुलेशन का, परसेंटेज नहीं पूछा। तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास पूछा क्या जा रहा है। तो अगर पॉपुलेशन पूछा है तो हरिद्वार सबसे ज़्यादा है और चंपावत सबसे कम है। अगर SC प्रतिशत की बात हो तो SC प्रतिशत जनसंख्या का जो परसेंट जो है बागेश्वर में सर्वाधिक है और देहरादून में सबसे कम है। साक्षरता की बात करते हैं यहाँ पे, तो पुरुषों की साक्षरता 64.1% और महिला की साक्षरता है 64.3%। साक्षरता की दृष्टि से SC साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है नैनीताल, और सबसे छोटा जिला है वो है ऊधम सिंह नगर, ठीक है। तो दो जिले हमने यहाँ पे पढ़े हुए हैं, साक्षरता में सबसे बड़ा जिला नैनीताल और सबसे छोटा जिला SC में साक्षरता की दृष्टि से ऊधम सिंह नगर। और अगर इसका जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे मैंने जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ है, तो जो जनसंख्या घनत्व है SC का तो वह है 936, कितना है 936, 936 SC अनुसूचित जाति की जनसंख्या घनत्व का जो है वो 936 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं। तो विधानसभा सीटें SC के लिए जो आरक्षित आरक्षण के तौर पर 15 सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है, जिसमें से 13 कौन सी है, 13 है हमारी SC के लिए और 14 है आपका हमारा ST के लिए, ठीक है। तो ये जो दो सीटें हैं जो रखी गई, कि दो सीटें जो हैं वो ST के लिए रखी गई हैं और 13 सीटें SC के लिए रखी गई हैं, ठीक है, उत्तराखंड हमारी विधानसभा में। अगला देखते हैं यहाँ पे कि विधानसभा का जो 13 सीटें हैं उसमें से देखो सबसे पहली बात होती है कि तीन सिर्फ हरिद्वार से सिर्फ तीन हैं, बाकी सबसे एक एक हैं। तो हरिद्वार से तीन ध्यान रखना, हरिद्वार से तीन याद कर लो, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, झबरेड़ा, भगवानपुर, ज्वालापुर। और देहरादून से बात करें राजपुर है, उत्तरकाशी से पुरौला हो गया, चमोली से थराली हो गया, टिहरी से घनसाली, अल्मोड़ा से सोमेश्वर, नैनीताल से नैनीताल, पौड़ी से पौड़ी श्रीनगर, ठीक है, ऊधम सिंह नगर से बाजपुर, बागेश्वर से बात करें तो बागेश्वर की है, और पिथौरागढ़ से बात करें तो गंगोली हाट की है, ठीक है। तो अब देखते हैं ST के लिए क्या सिस्टम है, ठीक है, ST का देखते हैं। अब ST में देखिए कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या का 2.9% है, 2.9% जो भाग है वहाँ पर ST जनसंख्या निवास करती है, या सीधी सी बात उनकी जनसंख्या जो है 2.9% है, भाग नहीं, 2.9% है टोटल पॉपुलेशन की, ठीक है।
तो इसका रिजर्वेशन जो है इनके लिए रिजर्वेशन 4% का रिजर्वेशन रखा गया है। कितना रखा गया है? 4% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या जो है एसटी की जो निवास करती है उधम सिंह नगर में, और सबसे कम जो निवास करती है वो रुद्रप्रयाग में निवास करती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रतिशत, देखते हैं। उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा होती है, फिर आता है देहरादून, फिर आपका पिथौरागढ़, फिर चमोली और फिर नैनीताल। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसटी के लिए तो रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इनका प्रतिशत। एसटी का तो प्रतिशत है, एसटी का तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा परसेंट जो है, यानी कि जो प्रतिशत है वो उधम सिंह नगर में है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो उधम सिंह नगर में है, और सबसे कम प्रतिशत जो है वो आपका है टिहरी में। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता जो इनकी है 79. औसत साक्षरता, एसटी की औसत साक्षरता है 73.9%, और अगर इससे पुरुषों की बात करें तो 83.8% है, जबकि महिलाओं की अगर बात करते हैं तो 62.5% है। अगर हम जैसे अब ऊपर आपने देखा कि एससी के लिए जो सेक्सुअल रेशियो तो था, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो जो था, ठीक है, या लिंगानुपात जो था 936 था। ठीक है, तो एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए इसको आगे पीछे 36 को आगे पीछे का मतलब 63 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया फिर 963। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आगे पीछे कर दो इसको। अगला देखते हैं यहाँ पे एसटी के लिए जो साक्षरता है, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में जो सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग, और जो सबसे कम है वो आपका है हरिद्वार। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो दो विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, एक है चकराता जो कि आपका देहरादून से है, और दूसरा है नानकमत्ता उधम सिंह नगर से। ठीक है, अब थोड़े देखते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल में पूरे भारत में कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ठीक है, पहले 20वां था लेकिन तेलंगाना के बाद 19वां हो गया है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर जिला की बात करते हैं तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। अब कई बुक्स में आपको चमोली देखने के लिए मिले, जैसे परीक्षा वाणी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चमोली का दिया हुआ है, 8060 दिया हुआ है ना। लेकिन ये तब था जब जो निशंक जी ने जो घोषणा की थी कि 4 नए जिले बनने हैं, है ना। अभी तो उनके लिए प्रस्ताव ही नहीं पारित हुआ है, जब तक वो प्रभाव में नहीं आते हैं तब तक तो यही रहेगा। तो पहले क्या था उत्तरकाशी, तो वही अभी रहेगा जब तक वो प्रभाव में नहीं आ जाता। अगर जिस दिन अगर प्रभाव में आ गए, 4 नए जिले बन जाते हैं, तब आपका चमोली पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से जो यमुनोत्री जो अलग हो रहा है उत्तरकाशी से। तो अगला देखते हैं, अब देखिए कि चार जो बड़े जिले हैं 5 जनसंख्या में क्षेत्रफल में, तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। और सबसे छोटे की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा है चंपावत, ठीक है, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है बागेश्वर, फिर है हरिद्वार और फिर है यूएस नगर। ठीक है, तो ये 5 जिले सबसे छोटे हैं, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो 4 सबसे छोटे जिले पॉपुलेशन में, सॉरी जो अभी आपके पॉपुलेशन में 5 सबसे छोटे, पॉपुलेशन में 5 सबसे बड़े, ठीक है, और एरिया में सबसे छोटे सबसे बड़े, एससी एसटी की साक्षरता में और एससी एसटी की जनसंख्या में, विधानसभा सीटें कितनी कितनी हैं, प्रतिशत क्या क्या है, कौन किस में, यानी कि जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है, ठीक है, औसत साक्षरता में 17वां स्थान है, कौन सा स्थान क्या क्या लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इसी टॉपिक से अगर मैं बात करूँगा तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उत्तराखंड के आप किसी भी तैयारी, कौन से कोई भी सी आप तैयारी करें, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं UK SSC, या फिर आप उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इसलिए मैंने इसको ट्रिकी तौर पर रखा हुआ है ताकि आपको रटना नहीं है, समझना है इसको और समझ के करना है। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा लेक्चर नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, और इसी को इस छोटे से छोटे में मैंने इसको पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ये जानकारी कैसी लगी और कितना आपको यहाँ से सीखने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, और आगे भी इस तरीके से वीडियोज आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ।